हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ स्टडी विद विशाल सिंह में। और जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे दसवीं का सिलेबस कर रहे थे और मैं आपको दसवीं का गणित करा रहा था। हमारे यहाँ पे हिंदी मीडियम जो यूपी बोर्ड है उसकी पढ़ाई होती है। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे दोस्तों, वो मेंसुरेशन करेंगे। तो मेंसुरेशन हमने पिछली क्लास में भी स्टार्ट करा है, लेकिन आज हम उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। तो आज हम कोण देखेंगे, कोण जिसको आप हिंदी में शंकु बोलते हैं। कोण को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में शंकु, और अर्धगोला हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट मेंसुरेशन में होता है दोस्तों कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, और जब आपको फार्मूला पता हो जाएगा तो एक आध छोटा मोटा कंसेप्ट जानने के बाद आप क्वेश्चन ज़रूर बनाने लगेंगे। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है फार्मूला। तो जो भी मैं आपको आज फार्मूला बताऊंगा वो आप रट लें, बिना फार्मूला के आप मेंसुरेशन में नंबर ला ही नहीं सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मूला याद होना। फार्मूला याद होने के बाद समझ लीजिए क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। उसके बाद कुछ करना नहीं होता इस चैप्टर में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं है और ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फार्मूला याद करना है। तो आइए चलते हैं हम अपने पढ़ाई पर और देखते हैं कि आज हमें करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पढ़ाई के बारे में जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला कंसेप्ट। दोस्तों पहला चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोण। कोण को हिंदी में आप देखेंगे किताब खोल के तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि कोण को शंकु बोलते हैं। अब कोण होता कैसे है, आपने आइसक्रीम देखा होगा जो उसमें क्रीम भरा होता है, जो जिस आइसक्रीम में जो देखते होंगे ऑरेंज कलर का होता है, वो होता है दोस्तों कोण। कोण का डायग्राम वैसा ही होता है, इसी टाइप का ये बना है। एक्चुअली दोस्तों कोण जो होता है एक 3D टाइप का फिगर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही है, आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि कोण ऐसा ही होता है। अब कोण में होता क्या क्या है, एक दोस्तों ये कोण का जो नीचे वाला पार्ट होता है ये सर्किल टाइप का होता है। ये देखिए दोस्तों सर्किल है, आप आइसक्रीम देखते होंगे तो आइसक्रीम को आप ध्यान से देंगे तो ऊपर से दोस्तों वो गोलाकार होता है, वैसे ही ये नीचे सर्किल। आप समझ लीजिए जो आइसक्रीम जो खाते हैं वो ऊपर नहीं होगी, नीचे दिखाया गया, और ये जो आइसक्रीम आप पकड़ते हैं वो है। दोस्तों तीन चीज़ होती है शंकु में, कोण में, एक तो ये सर्किल नीचे बना हुआ तो इसका रेडियस हो जाएगा जिसको त्रिज्या बोलते हैं, ये हाइट हो गया दोस्तों, और इसको बोलते हैं दोस्तों एल। ये जो है दोस्तों इसकी लंबाई को बोलते हैं एल, ये ऊंचाई, और ये आर जिसको त्रिज्या बोलते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस ये दोस्तों लिखा हुआ CSA को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, टी को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम मतलब आयतन। अब कर्व सरफेस एरिया को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सीधा समझो कि टोटल सरफेस एरिया होता है जो ये कोण है इसका पूरा सरफेस एरिया हम लिखेंगे, पूरा जब आप क्षेत्रफल लिखेंगे उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और जैसे जब हम सिर्फ वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो आइए हम समझते हैं और इसका फॉर्मूला देखते हैं ये होता क्या है। दोस्तों जब भी हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे कोण की, तो सिर्फ इस वाले पार्ट की हम बात करेंगे, जो पार्ट मैं रंग रहा हूँ इस वाले पार्ट की हम बात करेंगे, इस वाले पार्ट की एरिया की बात करेंगे, जो कि होता कितना है दोस्तों, जो कि होता है पाई आर इंटू एल। क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल, ये होता है दोस्तों कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एल क्या होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये होता है 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। अब जैसे ही 90 डिग्री आपको बता दिया गया, 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, ये राइट एंगल वाला ट्रायंगल हो गया जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम इस वाले ट्रायंगल में कैसे लगाएंगे दोस्तों, इस वाले में दोस्तों हम लगाएंगे एच का स्क्वायर प्लस इस आर का स्क्वायर इक्वल टू ये जो एल हो गया, तो ये हो गया एल का स्क्वायर। अब यहाँ से एल आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एल लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, एल आप ऐसे लिख सकते हैं। हमने दोस्तों इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो एल का मान दोस्तों अब हम यहाँ पर डाल देते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर, और एल कितना है दोस्तों अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला।
तो आप पाई आर एल याद रखें या ये याद रखें, बराबर ही है। आप एल का बस आपको पता होना चाहिए मान निकालते कैसे हैं, जो कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये दोस्तों सिर्फ हमने यहाँ तक का मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने एक शंकु बनाया, कोन बनाया, तो जब सिर्फ हम इस एरिया की बात करते हैं इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब जब हम, और ये बच गया सर्किल का एरिया, यहाँ पे बच रहा है, जब हम इस सर्किल के एरिया को भी जोड़ देते हैं इस कर्व सरफेस एरिया में, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है जिसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो निकलता है कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो सर्किल का एरिया है। सर्किल का एरिया कितना है दोस्तों इसमें, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया हम कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर से, तो हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया जो आपने लिखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, पाई आर एल है, हमने लिख दिया पाई आर एल। और ये कितना है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप पाई आर दोनों में कॉमन ले लो, तो ये हो गया पाई आर और ये आपका बच गया एल प्लस आर। तो दूसरा फार्मूला ये हो गया आपको, एक तो हो गया कर्व सरफेस एरिया का ये फार्मूला, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। एग्जाम में दोस्तों आप सी एस ए और टी एस ए भी लिख सकते हो, एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा और वो समझ जाएगा। सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पूरा जो एरिया हम लेते हैं, जब हम इस एरिया को भी शामिल कर लिया हमने, तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा फार्मूला जो सबसे इजी फार्मूला है दोस्तों, वो निकालना है वॉल्यूम का। और वॉल्यूम कैसे लिखते हैं कौन का दोस्तों, वो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। ये होता है दोस्तों वॉल्यूम निकालने का फार्मूला। तीसरा फार्मूला आपका ये होगा दोस्तों आज की क्लास का, ठीक है दोस्तों। तो यही तीन फार्मूला आपको याद रखना है, इसके बाद आप कोन के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। एक ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, इसका फार्मूला। दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का एरिया क्षेत्रफल। और तीसरा वॉल्यूम का। तो आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला, तीनों फार्मूला याद रखने हैं, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पे और अगले फिगर को देखते हैं। अब हमारे पास है दोस्तों अर्धगोले। आज मैं दो ही फिगर बताऊंगा दोस्तों, ऐसे एग्जाम में आपको और भी पढ़ना है, लेकिन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज दो ही पढ़ाऊंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्मूला को याद कर पाएँ। अब है हमारे पास अर्धगोले। अर्धगोले में दोस्तों आप ये जो होगा, जैसे ये आपका गोला हो गया एक, तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाती है दोस्तों, ये जाती है रेडियस, जिसको आप बोलते हैं त्रिज्या। ये हो गया दोस्तों रेडियस, जिसको आप बोलते हैं त्रिज्या। तो ये आपका त्रिज्या हो गया। अब इसका भी दोस्तों कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिखना है, और टोटल सरफेस एरिया जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे लिखना है, हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप बने रहिए पूरे वीडियो में ताकि हम आपको बता पाएँ इसको हम लिखते कैसे हैं दोस्तों। तो जो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों अर्धगोला का, वो होता है दोस्तों 2πr2। क्या होता है दोस्तों, वो होता है 2πr2। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है दोस्तों 3πr2, ठीक है दोस्तों। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखने हैं, एक तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr2 अर्धगोला का, टोटल सरफेस एरिया जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा एरिया कितना हो जाएगा 3πr2। और वॉल्यूम आपको याद रखना है, वॉल्यूम होता है दोस्तों 2/3πr³। क्या होता है दोस्तों 2/3πr³ वॉल्यूम, जिसको हम आयतन बोलते हैं। आयतन हमारा हो गया ये दोस्तों आयतन होता है 2/3πr³। तो मैं आशा करता हूँ आप जरूर समझ गए होंगे, समझने वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें। आपको तीन फार्मूला याद रखने हैं, तीन फार्मूला इसके और तीन फार्मूला इसके। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो फार्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा। ये था शंकु के बारे में हमने आपको पढ़ाया, और ये अर्धगोला है, तो दोनों आपको पढ़ना है। अर्धगोला मतलब आधा गोला, तो आधा गोला का भी मैंने अर्धगोला का ही पढ़ाया। अब हम इन दोनों को मिला के जो क्वेश्चन आपके NCERT किताब में दे रखा है वो हम करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन ये, आप जैसा कि NCERT खोलेंगे आपको पहला जो क्वेश्चन दिखेगा यही दिखेगा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो दोस्तों ये हमारे पास एक लट्टू बना रखा है, लट्टू आपने बचपन में खेला होगा, तो वही हमारे पास ये लट्टू है। इस लट्टू का हमें बोल रहा है
टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस पूरे का एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। दोस्तों जब भी आपके पास ऐसा फिगर आए तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला निकाल लें तो आप क्या करेंगे, ये आपको नीचे क्या दिख रहा है, शंकु। तो इस शंकु का आप कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो अर्थ ऊपर क्या दिख रहा है, अर्धगोला दिख रहा है, तो इसका भी आप कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। क्या करना है आपको, इस पूरे लट्टू का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पूरे लट्टू का। तो पूरे लट्टू का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, आप नीचे वाले का सी एस एन निकालेंगे, ऊपर वाले का सी एस एन निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आपको लट्टू का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों हम अब निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम देखते हैं हमारे पास एक पार्ट इसमें क्या है दोस्तों, एक पार्ट है इसमें कोण, कोण है दोस्तों, जिसको आप शंकु बोलते हैं। दूसरा पार्ट इसमें क्या है दोस्तों, दूसरा पार्ट है आपके पास दोस्तों अर्धगोला है, एक अर्धगोला है। इन दोनों का आपको क्या लिखना है दोस्तों, इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया लिखना है। इन दोनों का आपको दोस्तों क्या लिखना है, कर्व सरफेस एरिया लिखना है। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन सॉल्व जो मैं करवाता हूँ, पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद नहीं समझ में आए तब आप ये वीडियो फिर से रिज्यूम करके देखें। तो कोण का कर्व सरफेस एरिया का मैंने अभी आपको फार्मूला क्या बताया था दोस्तों, फार्मूला होता है पाई आर एल। तो आप दोस्तों यहाँ पे लिख दें, ये होता है हमारा फार्मूला पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया अर्धगोला का कितना होता है दोस्तों, अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया होता है, ध्यान से आप देखें तो ये 2πr², ये होता है 2πr². अब दोस्तों हम चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। अब कर्व सरफेस एरिया हम कोण का लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 22/7, और रेडियस चाहिए और हमें एल चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे अपने रेडियस को खोजते हैं कोण में और एल को खोजते हैं। ये दोस्तों पूरा 3.5 दे रखा है, तो बीच में कहीं जो उसका सेंटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3.5/2। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3.5/2। जब पूरा 3.5 है तो आधा कितना हो जाएगा, आधा जो इसका रेडियस होगा दोस्तों वो हो जाएगा 3.5/2। अब इतना जब 3.5/2 होगा दोस्तों, ये आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये अगर रेडियस है इतना, तो ये भी दोस्तों उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी जो कि रेडियस होगी, तो ये भी रेडियस हो जाएगी। तो ये 3.5/2 है दोस्तों, तो ये जो लाइन मैंने खींचा है जो रेडियस, ये भी आपका त्रिज्या होगा और ये भी 3.5/2 होगा। ये भी दोस्तों 3.5/2 होगा और ये भी 3.5/2 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों 3.5/2, 3.5/2 होगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे, आपके पास यहाँ से लेके पूरी जो लंबाई इस लट्टू की दे रखी है 5, पूरी लंबाई दे रखी है 5, इतना लंबाई कितना आ गया, 3.5/2। तो दोस्तों इतना कितना बच गया, इतना कितना बच गया, अब ध्यान से देखो पूरी लंबाई 5 है और ये जो आपके पास कितना आया दोस्तों, ये आया 3.5/2, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हाइट है लट्टू का, ये कितना बच जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों पूरा हाइट जो दे रखा था ये कितना था, पूरे लट्टू की लंबाई 5 थी और इतना हमें पता चल गया 3.5/2 है। तो दोस्तों सिर्फ इस शंकु की हाइट जो इतनी हाइट है वो कितना होगा दोस्तों, वो आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपके पास बच जाएगा 5 माइनस ये कितना है 3.5/2, ये आपको हो जाएगा इसकी लंबाई। अब आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं चाहे तो, कैलकुलेट मैं करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा दोस्तों। ये 5 माइनस 3.5/2 करेंगे दोस्तों, ये आपके पास आएगा 1.75, जबकि ये आ जाएगा 3.25। तो दोस्तों इतनी लंबाई कितनी आ गई, ये जो लंबाई मैंने लिखी थी ये आ गई 3.25, मतलब इस शंकु की जो लंबाई आ गई, ऊंचाई आ गई कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई, 3.25। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लिख रहे थे अपने कोण की, कोण का कर्व सरफेस एरिया लिख रहे थे, जो कि हमने लिखा पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर आर मतलब क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है शंकु की, त्रिज्या है दोस्तों 3.5/2। तो आइए हम लिखते हैं 3.5/2, तो हमने लिखा ये 3.5/2। अब दूसरा हमको लिखना है एल, और एल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो एल का फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट आर
स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही मैंने आपको बताया था। तो एल को हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये बच जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर। आर क्या है दोस्तों? 3.5। तो ये कर दो आप 3.5 बाई 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच कितना है दोस्तों? एच अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि एच है आपका 3.25। तो एच लिख देंगे दोस्तों 3.25 इसका स्क्वायर। अब दोस्तों आप इस एल को अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे मल्टीप्लाई तो दोस्तों आप आसानी से कर ही सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लेशन करेंगे गुना करके निकालेंगे तो ये आपका एल का जो मान आता है 3.7 आता है। तो एल का मान आ गया दोस्तों आपके पास 3.7। तो आप एल का मान यहाँ पे 3.7 डाल देंगे दोस्तों, जो हम यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा ये कर्व सरफेस एरिया आ रहा है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा एल का मान। अब हम अर्ध गोले के कर्व सरफेस एरिया को दोस्तों निकालेंगे, जो कि हम कैसे निकालेंगे 2 × π का मान कितना होता है दोस्तों 22/7 और r का स्क्वायर। r यहाँ पे क्या है? हम r कैलकुलेट करने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो r हमने निकाल रखा ये है r इस अर्धगोले को, और r कितना है 3.5/2। तो r का वैल्यू हम लिख देते हैं दोस्तों 3.5/2 और r स्क्वायर है तो ये 2 बार आएगा 3.5/2। अब दोस्तों ये हमारे पास आ गया अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया और ये आ गया कोन का कर्व सरफेस एरिया। हमें क्या करना है? पूरे लट्टू का पूरा एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने क्या बताया, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के जोड़ देंगे। तो हम यहीं पे इसमें जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो आइए दोस्तों हम जोड़ देते हैं 22/7 × 3.5/2 × 3.7 प्लस 2 × 22/7 × 3.5/2 × 3.5/2। क्या क्या दोस्तों? हमने इसको भी लिखा और इसको भी लिखा और दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। अब कैलकुलेशन तो दोस्तों आप कैसे भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो। लेकिन मैं आपको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन करना बताता हूँ ताकि आपको टेंशन कम हो सॉल्व करने। दोस्तों आप यहाँ देखें 22/7, यहाँ भी 22/7, यहाँ 3.5/2, यहाँ भी 3.5/2। तो हम इन दोनों को क्या ले लेंगे दोस्तों? कॉमन ले लेंगे। किसको? 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5/2 को। अब कॉमन लेंगे तो ये अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों? 3.7 बच जाएगा प्लस, बीच में प्लस का साइन, यहाँ 2 × 3.5/2 हमारे पास आ जाएगा। अब आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/7 × 3.5/2। अब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बच गया? 3.7 और 3.5 को आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.2। अब आगे हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये 2 से कितना कट जाएगा? 22 कट जाएगा दोस्तों 11 मरतबे। तो ये हमारे पास आ गया 11/7। 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 35/10। एक पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, इसमें भी पॉइंट नीचे हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। अब बस आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 × 25 से यह काट देंगे दोस्तों हम, और इसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना मैं करके दिखाता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 और ये मल्टीप्लाई में कितना है दोस्तों? 72 और नीचे कितना है? 100। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी आप इसको कैलकुलेटर से चाहे कॉपी में करके निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 55 × 72 कितना होता है। मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन आप इतना मैं छोड़ देता हूँ ताकि आप खुद से कर लें। तो आइए दोस्तों मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मेन चीज़ है आपका क्वेश्चन समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ पाते हैं और फॉर्मूला याद है तो आप कैलकुलेशन करके ज़रूर निकाल लेंगे। दोस्तों हमें क्या करना था? इस लट्टू का टोटल सरफेस एरिया निकालना था। मतलब क्या निकालना था? इस लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो मैंने आपको क्या बोला? अगर किसी भी खिलौना का या किसी भी चीज़ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और दो चीज़ों से बना है, दो चीज़ों मतलब ये एक शंकु से बना और ये एक अर्धगोला से बना है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया लिखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो और दोनों को क्या करते हो? जोड़। तो हमने भी यही किया, हमने कोन का कर्व सरफेस एरिया लिखा जो कि होता है πr(l) और अर्धगोला का 2πr² और दोनों को दिया जोड़। तो हमने क्या किया दोस्तों? πr(l) और 2πr को लिख के दोनों को जोड़ दिया। अब इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है कि आपको निकालने आना चाहिए। ये दोस्तों पूरा हमारे पास दे रखा है 3.5, तो आधा हो जाएगा 3.5/2 और आधा क्या होगा? त्रिज्या मतलब रेडियस।
अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये 3.5/2 था, ये 3.5/2 था, तो ये भी 3.5/2 हो गया। मतलब हमारे पास शंकु का त्रिज्या आ गया 3.5/2 और इस कोण का भी, इस जो अर्धगोला है इसका भी आ गया 3.5/2। अब दोस्तों इतना 3.5/2 है और हमें पूरा दे रखा है 5, तो इतना हम निकाल लेंगे आसानी से। इतना कैसे निकालेगा, पूरा में से हम इस त्रिज्या को घटा देंगे तो हमारे पास ये शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमने वैसे ही किया, पूरा 5, तो पूरा 5 में से घटाया किसको, इस त्रिज्या को, कितना 3.5/2, जो कि हमारे पास कितना आ गया 3.25। अब हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, फिर हम कर्व सरफेस एरिया लिखने चले शंकु का। तो पाई मतलब 22/7, आर कितना है 3.5/2 इंटू एल। एल कैसे बताया था मैंने आपको निकालना दोस्तों, एल होता है √r² + h², तो एल √r² + h², आर है 3.5/2 इसका स्क्वायर प्लस एच। एच अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि एच 3.25 हो। एच निकालना ही मैं थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, एच निकालना कैसे है, जो कि मैंने आपको निकाल के बताया। और एच का स्क्वायर कर देंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे खुद से, तो ये आएगा 3.7। अब यहाँ पे मैंने दोस्तों एल का मान डाल लिया 3.7, और यहाँ कर्व सरफेस एरिया जो अर्धगोला का निकालना है वो होता है 2π r². ये लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा लिख देंगे आप 2π के बदले 22/7 r। r कितना होता है दोस्तों, ये 3.5/2 है, तो आप 3.5/2 को स्क्वायर कर देंगे। अब इतना निकालने के बाद सॉल्व करके भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये ऐसे हमने पूरा लिखा है और 22/7 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, 3.5/2 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो दोनों को दोस्तों कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 55 × 72/100। तो यही आपका आंसर हो गया। मैं आपको गुना करके दिखा देता हूँ, 55 × 72 दोस्तों ये हो गया 110, ये हो गया 385, तो 3950 और 20 नीचे लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 39.50। तो दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा, 39.50। तो दोस्तों आप खुद से इस क्वेश्चन को 2-4 बार करें तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद करना होगा, तो आप फार्मूला याद करें, फिर इस क्वेश्चन को 2-3 बारी करें, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको फार्मूला याद होगा। तो चलिए तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, और आपको अगर ये पढ़ाई अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं समझ में आता है तो आप वो ही बताएं, हम और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, कि यहाँ पे आपको सबसे अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ाया जाता है। बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ पे पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट होगा, अंग्रेजी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है कमेंट करके बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें।